नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएँ हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा चल रही है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की, और लिखा हुआ कि घुमा फिरा कर पूछे गए सवाल चकराए अभ्यर्थी। कल इसके बारे में मैंने कल शाम को विस्तृत वीडियो बनाया था और टेलीग्राम चैनल पर पेपर भी डाल दिया था, हिंदी वाला भी और सामान्य अध्ययन का भी। यहाँ पर देखिए लिखा कि मुख्य परीक्षा के पहले दिन 93% अभ्यर्थी रहे शामिल। सुमेलित करने वाले कूट और गणना पर आधारित सवाल उन्होंने उलझाया। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा रविवार को शुरू हो गई। पहले दिन 93% अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पहले सत्र में आयोजित सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की परीक्षा में प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के थे लेकिन सवाल घुमा फिरा कर पूछे गए थे। अभ्यर्थियों को जवाब देने में मशक्कत करनी पड़ी। आरओ एआरओ के 354 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 26 अप्रैल तक आयोजित होगी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से तो सामान्यतः आज ही परीक्षा है और उर्दू और हिंदी स्पेशल वाले आरओ के लिए कल और परसों भी होगी। और पेपर का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा बदला हुआ वो आया था, बहुत ज़्यादा तो बदलाव नहीं था, थोड़ा सा बदला हुआ था। खास तौर से जो करेंट अफेयर इत्यादि के जो क्वेश्चन थे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ प्रश्न भी यहाँ पर दिए हुए हैं किस किस तरीके के प्रश्न आए थे कि जैसे अगर किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति की जगह कौन काम करेगा, तो काफ़ी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके के भी आए थे। रीजनिंग भी आई थी काफ़ी, लगभग 8-10 क्वेश्चन रीजनिंग भी आई थी। और तो वहीं पर कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये आर ओ आर ओ की जो इस साल नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो इस साल भी भर्ती आने की संभावनाएँ हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि जितने भी पद हैं वहाँ पर प्रमोशन के जो पद रिक्त हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और सचिवालय में भी अभी 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि लगभग 3000 जो पद हैं वो रिक्त हैं और वो प्रमोशन से भरे जाने हैं। तो जब प्रमोशन से जो पद भर दिए जाएंगे तो जो नीचे के पद हैं जैसे एआरओ इत्यादि के जो पद हो गए उन पदों का जो अधियाचन है वो सीधी भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग के पास भेजा जाएगा और इसलिए आरओ एआरओ की जो भर्ती है वो ज़रूर आएगी। इस साल के अगर अंत में नहीं आई तो 2023 के शुरुआत में आएगी, लेकिन ज़्यादा पदों को लेकर के इस बार आरओ एआरओ की भर्ती आएगी। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। लिखा हुआ है नया आयोग अब हाशिए पर चयन बोर्ड फिर करेगा भर्तियाँ, ये होंगी भर्तियाँ। लिखा 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एडिड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के चयन की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। रिक्त पदों के लिए नया विज्ञापन और प्रधानाचार्य आदि के लिए पदों का साक्षात्कार कुछ महीने में ही शुरू हो जाएगा। वजह यह है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश 10 नए सदस्यों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है और नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन अभी हाशिए पर ही रहेगा। तो जो पुराना वाला जो चयन बोर्ड है वो वही रहेगा ताकि भर्ती जो प्रक्रियाएं हैं वो बाधित ना हो। जैसे ही सदस्य 14 तारीख तक यहां पर लिखा हुआ है सदस्य आ जाएंगे, ये 14 मई तक आवेदन भेजेंगे और मई के महीने में सदस्य मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, और उसके बाद में जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो फिर से रफ्तार बढ़ेंगी। और जानकारी मुझे मिली है कि जो टीजीटी पीजीटी में फिर से जो पोर्टल खोला जाएगा इसकी वजह से पदों की संख्या इस बार बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि केवल 4200 पदों पर ही टीजीटी की भर्ती होगी। बिहार पीसीएस, बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पीटी के प्रवेश पत्र कल यानी कि आज 25 तारीख को जारी किए जाएंगे। तो इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए जाएंगे। वहीं पर विद्यार्थी सोशल मीडिया में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और ये देख सकते हैं कोई प्रियंका सिंह है, 97000 नई शिक्षक भर्ती जारी करो, बहुत सारे लोगों को टैग किया इस तरीके से लगातार, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, कुछ भी हो, विद्यार्थी लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। और वास्तव में कई साल हो गए और डीएलएड के, बीटीसी के और बीएड के बहुत सारे जो बैच हैं वो निकल चुके हैं और अभी तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। पिछले लगभग 3-4 साल से तो विद्यार्थी बैठे हैं, जैसे 68500 शिक्षक भर्ती और 69000 पूरी हो चुकी हैं, 3 साल हो चुके हैं और उसके बाद से कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। डीएलएड बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। लिखा हुआ डीएलएड बीटीसी की परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है, इसमें प्रसिद्ध शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी शिक्षकों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में बहुत सारे केंद्र बनाए गए हैं और लिखा हुआ विद्यार्थियों को भी कम से कम 20 मिनट पहले पहुँचना है।
जो भी समय दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें लेखपाल भर्ती के कट ऑफ की, तो लेखपाल भर्ती के कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल चुकी है कि इसकी जो कट ऑफ है वो 10 मई के पहले पहले जारी कर दी जाएगी, और पूरी पूरी चर्चा है कि मई के फर्स्ट वीक में लेखपाल भर्ती की जो कट ऑफ है वो जारी हो जाएगी। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि जो 90% के जो विद्यार्थी हैं ऊपर के, वो विद्यार्थी अपनी तैयारी करते रहें, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हालांकि UP SSC को लेखपाल भर्ती की जो कट ऑफ है वो बहुत पहले जारी कर देना चाहिए। आवेदन हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, जैसे आवेदन समाप्त होता है उसके 2 या 3 दिन बाद ही UP SSC को लेखपाल या कोई भी भर्ती हो उसकी कट ऑफ जारी कर देनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की जो दुविधा होती है वो शांत हो जाए और जो चयनित विद्यार्थी हों वो अपनी तैयारी करते रहें। अंतिम सूचना है, डीएलएड करने वाले 20,000 अभ्यर्थियों का TET का रिजल्ट रोक दिया गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले 20,000 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP TET 2021 का परिणाम फंस गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इन अभ्यर्थियों को TET में शामिल तो कर लिया था, लेकिन परिणाम घोषित करने के बजाय अब विभाग एकल पीठ के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने जा रहा है। इस संबंध में परीक्षा नियामक ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, शासन से अनुमति मांगी है। TET में शामिल अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लिख करके आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।